मैं आ गया हूँ फोर्ट कोची बीच और अभी इवनिंग का समय है, तो चलिए इवनिंग वॉक करके यहाँ की भीड़ भाड़ वाले एरियो को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहला और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसे फोर्ट कोची क्यों कहा जाता है या फिर फोर्ट कोची बीच क्यों कहा जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो फर्स्ट यूरोपियन चर्च था उसका नाम था फोर्ट मैनुअल ऑफ कोचीन, जो कि यहीं पे है, इससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, तो उसी के नाम पे इसे फोर्ट कोची बीच कहा जाता है। मतलब तो फोर्ट मैनुअल यहाँ पे बना जो फर्स्ट यूरोपियन चर्च था, इसी कारण से इस पूरे एरिया को फोर्ट कोची कहा जाता है, जो कि फर्स्ट यूरोपियन चर्च था, अभी भी है। अगर आपको देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप ये सुंदरता देख सकते हैं फोर्ट कोची बीच की। और ये यहाँ पे आपको मैंगो मिल जाएंगे, रॉ कच्चा मैंगो मिल जाएंगे ऐसे। और उसके बाद आगे चल के मैं आपको चाइनीज फिशिंग नेट और बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हमेशा शाम को इतनी क्राउड रहती है कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़के से लेके लड़कियाँ, बच्चे से लेके एडल्ट तक यहाँ पे सभी आते हैं और शाम को इवनिंग वॉक का इंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। ये लड़की इतने घूर घूर के क्यों देख रही है पता नहीं। तो उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको और कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। तभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट टाइप में है, सभी लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो यहाँ आप भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में आप भी फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हैं इवनिंग के समय अगर आप यहाँ पे आओगे तो। तो चलिए अभी मैं आपको राइट साइड में फिशिंग नेट दिखाता हूँ, जो कि चाइनीज फिशिंग स्टाइल है। ये अभी भी यूज़ की जाती है, केवल केरला में यूज़ की जाती है जैसा कि वो दिखाई दे रही है। तो ये चाइनीज फिशिंग नेट बोलते हैं और उस तरफ पोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे अभी फोटोग्राफी का एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको सनसेट का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, सनसेट का व्यू थोड़ा आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे चारों तरफ फोटोग्राफी चल रही है सनसेट की और कुछ नहीं। सनसेट के बाद अभी और आगे बहुत कुछ बाकी है जहां आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। ये बीच एरिया बहुत ही ज़्यादा लंबा है, नहाने के लिए स्टार्टिंग में ही था, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन यहां पे पूरा ये शॉप टाइप में, मार्केट टाइप में इन लोगों ने बना रखा है। आप यहाँ से ये प्रिसीशियस स्टोन और ये काउच एंड बहुत कुछ ले सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि प्रिसीशियस हैं, बहुमूल्य हैं और बहुत ही कम जगहों में मिलते हैं। तो ये आप कुछ भी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं ये लोग। तो अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसे फोर्ट कोची बीच क्यों कहा जाता है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।